भाई और बहनों, आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम, जहां स्कीम वहां स्कैम। जिन योजनाओं की डिलीवरी राज्य सरकार के माध्यम से होनी थी, उनको उन्होंने अपने स्कैम के रंग में रंग दिया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। आठ चरणों में एक एक करके बंगाल के लोग टीएमसी के हर स्कैम का हिसाब करेंगे। और मैं आज बंगाल की धरती पर फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में अब तक करीब करीब 14,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जमा हो चुका है। बंगाल का किसान वंचित रह गया है। हमारी डबल इंजन वाली सरकार आते ही यहां के हर किसान के खाते में वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, हर किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा और आगे भी योजना आपके लिए चालू रहेगी। और भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैम करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना, स्कैम करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना। और ये बात टीएमसीओं को भी अच्छी तरह पता चल गई है। इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। अभी दीदी क्या कह रही है, अभी दीदी कह रही है, अभी दीदी अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। 10 साल जिस ईवीएम ने उन्हें सत्ता सौंपी, वही ईवीएम अब उन्हें रास नहीं आ रहा है। साफ है दीदी, दीदी आपको पराजय दिन में भी दिखता है, पराजय रात में भी दिखता है। मेरा बंगाल के लोगों को बिना डरे बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया आपका हर एक वोट, दीदी को उनके लिए की सजा दी हो जाएगी, उनके पापों की सजा हो जाएगी। इसलिए इस बार जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। बंधुगण, आसुन हमारा संकल्प करी एबार निये आसल परिवर्तन, आसल परिवर्तन। एबार गर्व सोनार बांगला, एबार बीजेपी, एबार आसछे बीजेपी, एबार